वैसे तो नियम के आधार पर कहे जाए तो बाई ने स्टार्ट किया है, वही महाभारत अगर शुरू करे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। पर समिति के निर्देशानुसार और सभी श्रोता साथियों के भी निर्देशानुसार महाभारत से मैं नकल पेश करना चाहूंगी। तो कपटी दुर्योधन से अजी हारे पांचों भाई, और द्रौपदी को लेकर चले अजय फिर वन में चले बलदाई। तो कंपक वन की बात अजी सुन ले तू कर कबीराई, और द्रौपदी पे मोहित हो गया अजी जयद्रथ बलदाई। तो सुनो आगे की कथा और महफिल में देऊं सुनाए, और हर जाई का क्या हाल हुआ अजी मैं देती हूँ बतलाए। तो अरे महाभारत का हाल सुनाऊं सुन लो बुढ़िया ध्यान लगाए, महाभारत का हाल सुनाऊं सुन लो बुढ़िया ध्यान लगाए, महाभारत का हाल सुनाऊं जी। कंपक वन में तृण बिंदु का और आश्रम बड़ा गुलजार, तो कंपक वन में तृण बिंदु का अजी आश्रम बड़ा गुलजार। बात संतों की वाणी में, बात संतों की वाणी में, इसलिए तो कहना है कैसे हमारी बड़ी बहन से कि अपने आप पर मत लीजिएगा, ये ग्रंथों की बात है। हर तेरे पति को मैंने बचाई, ए भाई हेलो जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि शब्द बड़े अनमोल होते हैं। एक बार निकला हुआ कमान से जो तीर वो कभी वापस नहीं होता, और हमारे शब्द से निकला हुआ जबान से निकला हुआ शब्द वेदी बाण भी कभी वापस नहीं होता। इसीलिए अरे तेरे पति को मैंने बचाई, मृत्यु दंड करमा, तेरे पति को मैंने बचाई मृत्यु दंड करमा, नहीं तो रांड हो जाती जवानी में। Hey!
की माता रानी को तो रात भर मनाएंगे क्योंकि माता रानी का दरबार लगा है और दिन भी माता रानी के चल रहे हैं, रात भी माता रानी की चल रहे हैं, पर अरे डंका बजे रे डंका बजे। क्योंकि ये ज्ञान का सत्संग जो लगा हुआ है, यहाँ मेरे ज्ञानी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माता रानी का दरबार है तो माता रानी की जयकारे तो हम लगाते ही रहेंगे, इसलिए अरे सत्संग के अखाड़े। ए भाई, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, ज्ञान की बातें करेंगे, क्योंकि मुझे पता है देवगांव की बस्ती में ज्ञानियों की बस्ती है ये, इसीलिए अरे सत्संग के अखाड़े में, ये सत्संग के अखाड़े में, ये बाई ज्ञान डंडा बजे, तो सुनिए श्रोता सज्जनों, और ये महाभारत का हाल है, अज कंपक वन में रहते थे, अज पांचों पांडव भाग है, तो संग में थी द्रौपदी नार, अज पांडव के मन में आया ख्याल, और शिकार खेलने जाने के लिए अज तैयार हो गए तत्काल। अरे धौ में ऋषि के रख पास द्रौपदी को, और गए हैं पाचो भार, तो धौ में ऋषि के रख पास द्रौपदी को, अज गए हैं पाचो भार, बात वेदों की वाणी में, तेरे पति को भाई, तेरे पति को आओ, तेरे पति को कहां, तेरे पति को भाई, तेरे पति को तेरे पति को मैंने, तेरे पति को अरे तेरे पति को, तेरे पति को मैंने बताई मैंने, नहीं तो रांड हो जाती जवानी में, I'm gonna go get some water.
राजाओं के साथ अजी जयद्रथ साल्व देश को जाए और राह में त्रंद बिंदु आश्रम मिला और द्रौपदी नजर आ जाए। तो द्रौपदी से परिचय जाना जयद्रथ अजी रथ में उठा ले जाए और हरण किया द्रौपदी का अजी पांडव ने खबर सुन पाए। तो अरे इंद्रसेन के रथ पे पांचों भाई हुए सवार। तो इंद्रसेन के रथ पर अजी पांचों भाई हुए सवार। तो शीघ्र जाके पांडव ने अजी जयद्रथ की सेना को मारे और आगे बढ़कर पांचों भाई ने अजी जयद्रथ के सेना को जयद्रथ के रथ को घेरे। तो द्रौपदी जयद्रथ को लेकर अजी आई धर्मराज के आगे और मृत्यु से बचाए जयद्रथ को अजी मुंडन कर चेहरा बिगाड़े। तो अरे गुरुवर जयराम कहे वो शर्म के मारे कौन जयद्रथ। अरे गुरुवर जयराम कहे वो शर्म के मारे अजी गया ना सिंधु देश। तो गुरुवर जयराम कहे वो शर्म के मारे अजी गया ना सिंधु देश। पाप किया वो अभिमानी में पाप किया वो अभिमानी में। अरे तेरे पति को मैंने बचाया।